क्वेश्चन ये कर रहे हैं कि ए जो है एक काम को 8 दिन में करता है, जबकि बी जो है उसी काम को 18 दिन में करता है। कार्य अगर बी से स्टार्ट होता है तो बारी बारी वे काम को कितने समय में समाप्त करेगा? ठीक है, अल्टरनेट डेज का वर्क है। तो अगर ए जो है 8 दिन में किसी काम को करता है, बी 18 दिन में करता है, तो इनका एफिशिएंट टोटल वर्क कितना हो जाएगा? इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा आपका, और कितना हो जाएगा आपका, इसमें 9 गुना 8 है और यहाँ पे भी 8 है, तो 8 72 होना चाहिए। 8 गुना 9 और 8 18 गुना 4, ए का एफिशिएंसी 9, बी का एफिशिएंसी 4 आ गया। कार्य बी से स्टार्ट होता है, फिर ए करेगा, इसी तरीके से आगे बढ़ेगा कार्य को। बी कितना करेगा? 9 काम, सॉरी बी कितना करेगा? 4 काम करेगा। ए कितना काम करेगा? 9 काम करेगा। तो यहाँ से देखो 9 4 13 काम कितने दिन में समाप्त हो रहे हैं? 2 दिन में काम समाप्त हो रहे हैं। हमें लाना कितना है? 72 के आसपास। इसमें कितना सा मल्टीप्लाई करें? 13 चौके 52 13 5 65 13 6 78, 5 से ही मल्टीप्लाई करते हैं। तो 13 5 65 यहाँ भी 5 से मल्टीप्लाई करने का करना पड़ेगा, यानी कि 65 काम 10 दिन में कंप्लीट हो रहे हैं। अगर 65 काम यहाँ से कंप्लीट हो गया तो बचा कितना? 7 काम बचा, और ए तक ये काम कंप्लीट हो गया अगेन। और अभी कौन आएगा? बी आएगा। बी आएगा, बी का एफिशिएंसी कितना है? 4 है, तो एक दिन में भाई 4 काम ही करेगा। तो बी ने एक दिन में 4 काम किया, तो अब कितना बचा? माइनस करेंगे 4, यहाँ से 4 माइनस करेंगे हो जाएगा 3, और यहाँ पर एक दिन हमें ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, अब इस 3 काम को कौन करेगा? अब अगेन ए आएगा 9 एफिशिएंसी के साथ, तो बटे में हो जाएगा कितना आपका? 9, यानी कि 1/3। तो 11 सही 1/3, 11 सही 1/3 दिन में काम जो है कंप्लीट हो जाएगा। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ऑप्शन नंबर 1।